नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि कई बार क्या होता है कि आपकी सिम किन्हीं कारणों से खो जाती है, गुम हो जाती है, किसी समस्या की वजह से आपकी सिम टूट जाती है या ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और आपके मन में काफ़ी डाउट्स होते हैं कि उसको किस तरीके से निकलवा सकते हैं, उसका क्या क्या प्रोसीजर और कितना खर्चा आता है। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। यदि दोस्तों आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आपको भी ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपके भी साथ ऐसा हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसीजर है, कितना खर्चा आता है, ताकि आप इन सब बातों से अवेयर रहें, ठीक है। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही टेक्निकल से रिगार्डिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं BSNL के बारे में। यदि आपकी BSNL की सिम किन्हीं कारणों की वजह से गुम हो गई हैं, खो गई हैं, टूट गई हैं, या चलते चलते ऑटोमेटिकली बंद हो गई हैं, तो आप BSNL की सिम को किसी भी मोबाइल शॉप पर नहीं निकाल सकते, या डिस्ट्रीब्यूशन के पास भी आप नहीं निकाल सकते BSNL के। आपको BSNL के ऑफिस में ही जाना पड़ेगा। और हाँ, आपने जिस नंबर से, ठीक है, जिस नंबर से आपने वो सिम निकालनी है, आपने जिस व्यक्ति के नाम पर वो सिम निकालनी है, उस व्यक्ति का आधार कार्ड आपने साथ ले जाना है, ठीक है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आपके सब पास होना चाहिए। और हाँ, BSNL की सिम यदि आप रिप्लेसमेंट कराते हैं या उस नाम से निकालते हैं, उस नंबर से, तो आपसे BSNL के स्टोर में जाकर आपसे कम से कम 150 से 200 रुपये ले सकती हैं। BSNL के ऑफिस में जाकर आपका इतनी पेमेंट लग सकती है, इतना खर्चा आ सकता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया बी के बारे में। दोस्तों, यदि आपकी बी की सिम आपने रिप्लेसमेंट करानी है या उस नंबर से नई सिम निकलवानी है, तो आप उसको किसी भी मोबाइल शॉप पर जाकर निकलवा सकते हैं, या आप डिस्ट्रीब्यूशन के पास भी जा सकते हैं, वोडाफोन आइडिया बी के डिस्ट्रीब्यूशन के पास, या आप बी के स्टोर पर भी जाकर निकलवा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप वोडाफोन आइडिया बी की सिम है वो आप मोबाइल शॉप पर निकलवाते हैं, तो आपसे कम से 100 से 150 रुपये चार्ज लग सकते हैं। और यदि आप स्टोर से निकलवाते हैं तो आपसे 50 से 100 रुपये ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आपने जिस भी व्यक्ति के नाम से निकलवानी है उसका आधार कार्ड और वो खुद वहाँ पर होना चाहिए, वहाँ पर उसकी फ़ोटो भी ली जाएगी, ठीक है, और आधार कार्ड वेरिफिकेशन भी होगी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं एयरटेल के बारे में। दोस्तों, यदि आपकी एयरटेल की सिम आपने रिप्लेसमेंट करानी है, या गुम हो गई है, खो गई है, किन्हीं भी कारणों से उसको आपने उस नंबर से नई सिम निकलवानी है, तो आप किसी भी मोबाइल शॉप पर भी निकलवा सकते हैं, आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के पास भी जा सकते हैं एयरटेल के, या आप किसी भी एयरटेल के स्टोर पर जाकर भी निकलवा सकते हैं। यदि आप एयरटेल की सिम किसी भी मोबाइल शॉप पर निकलवाते हैं, तो आपसे वही है कि आपसे 100 से 150 रुपये चार्ज लग सकता है, ठीक है, प्रोसीजर सेम ही रहेगा सभी सिमों की तरह। और हाँ, यदि आप एयरटेल की सिम किसी भी एयरटेल के स्टोर पर जाकर निकलवाते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के पास निकलवाते हैं, तो आपसे 25 से 50 रुपये लग सकते हैं, ज़्यादातर 25 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सिम को निकलवा सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूँ, जब भी आप अपनी सिम निकलवाते हैं, तो कई बार होता है कि यदि आपकी सिम में जो रिचार्ज पड़ा होता है, तो वो अगली जो आप नई सिम निकलवाते हैं उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एयरटेल जियो के बारे में। जियो में क्या होता है दोस्तों, कि यदि आप जियो की सिम निकलवाते हैं, रिप्लेसमेंट कराते हैं, नए निकलवाते हैं उसी नंबर से, तो क्या होता है कि आप किसी भी मोबाइल शॉप पर उसको नहीं निकलवा सकते, उसका कुछ अलग प्रोसीजर है, और ना तो आप जियो के डिस्ट्रीब्यूशन के पास वो सिम निकलवा सकते हैं। जियो की सिम अगर आपने निकलवानी है नई उसी नंबर से, तो आपको जियो के स्टोर पर ही जाना पड़ेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि यदि आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, पहले वाला जो आपने पहले जिस नंबर से वो पहले रजिस्टर्ड थी वो सिम, और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो पहले लगा हुआ था वो आप लेकर जाते हैं, तो आपकी जो जियो की सिम है वो 25 रुपये में ही निकल जाएगी, ठीक है। यदि आपके पास वो नहीं है, तो आपको मैं बता दूँ कि वो 25 से 50 रुपये भी ले सकते हैं जियो स्टोर वाले, ठीक है। तो हाँ, यदि आप घर पर या किसी दुकान पर बुलवाते हैं जियो के जो भी एजेंट होते हैं, कस्टमर केयर अधिकारी होते हैं, तो वो आपसे 150 से 200 या 100 से 150 रुपये भी ले सकते हैं। वैसे आप जियो स्टोर पर ही निकलवाइए, ठीक है, वो प्रोसीजर ठीक है, अच्छा है। तो दोस्तों, इसी के से मैंने आपको बताया कि इन सब कंपनीज के जो भी सिम है, आप अगर रिप्लेसमेंट कराते हैं या आपकी सिम किन्हीं कारणों से हो गई है, गुम हो गई है, टूट गई है, तो आप उसको किस तरीके से निकलवा सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है। और दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में बताना। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।